तो अभी हम लोग देखेंगे वर्किंग ऑफ रिसेक्ट, मतलब रिसेक्ट कैसे करके काम करता है और कैसे करके स्पर्म को क्या मिलता है, डायरेक्शनल क्लू मिलता है, ठीक है ना। तो उसको समझने से पहले देखो, सबसे पहले दो चीज़ जानना पड़ेगा। फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एग के बारे में सी अर्जिन का जानना पड़ेगा, दूसरा हम लोग बोलेंगे स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानना पड़ेगा सी अर्जिन का। तो अगर हम लोग देखेंगे एग का, एग के स्ट्रक्चर का, तो ये क्या हो गया, एग हो गया, क्या चीज़ का, सी अर्जिन का, ये एग है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, सी अर्जिन का अगर एक को देखेंगे तो उसमें तीन लेयर मिलता है। सबसे बाहर का जो लेयर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखना, जेली लेयर। बीच का जो लेयर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइटिलिन लेयर या वाइटिलिन इनवेलप। और सबसे अंदर का जो लेयर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग मेम्ब्रेन, ठीक है। और फिर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म होगा, फिर क्या होगा, ये वाला क्या है, न्यूक्लियस। तो सबसे बाहर का लेयर जेली लेयर, यही जो जेली लेयर होता है ना, यही जेली लेयर क्या निकालता है, केमिकल निकालता है, 14 एमिनो एसिड का पेप्टाइड वाला केमिकल निकालता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेक्ट, ठीक है। और यही रिसेक्ट के कारण क्या होता है, कीमो अट्रैक्शन होता है, या फिर हम लोग बोलेंगे स्पर्म के पास क्या आता है, डायरेक्शनल क्लू, मतलब स्पर्म को मिलता है। और स्पर्म किस तरफ मूव करता है, टुवर्ड्स दी एग की तरफ, ठीक है ना। इसीलिए रिसेक्ट को कभी कभी हम लोग बोलते हैं स्पर्म अट्रैक्टिंग पेप्टाइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एग हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ एग के जेली लेयर से क्या निकल रहा है, रिसेक्ट, वही केमिकल निकल रहा है, ठीक है। और ये किसको अट्रैक्ट करेगा, हम लोग बोलेंगे स्पर्म को। तो अब देखो, अगर हम लोग स्पर्म को देखेंगे, तो अगर स्पर्म को देखेंगे तो स्पर्म को हम लोग देखेंगे तो ये मान लो क्या चीज है, स्पर्म, ठीक है। ये टेल हो गया स्पर्म का, ये वाला क्या चीज हो गया, ये वाला क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, यही कॉन्सेप्ट है ना। इस तरफ वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस तरफ वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे आउटसाइड, और ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्म के अंदर वाला पार्ट को इनसाइड, ठीक है। तो मैं बस यही वाला एरिया को क्या करके बना रहा हूँ, यहाँ पर इनलार्ज करके बनाया हूँ मैं, ठीक है। ये वाला एरिया को क्या करके बनाया, इनलार्ज करके बनाया हूँ। तो देखो, ये जो है ना, ये क्या चीज़ हो गया, स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, और उसके बाहर वाला पार्ट क्या, आउटसाइड, आउटसाइड क्या चीज़ है, सी वाटर है। और ये वाला पोर्शन क्या हो गया, इनसाइड, इनसाइड क्या है, साइटोप्लाज्म ऑफ द स्पर्म है। तो ये वाला स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस तरफ क्या है, इस तरफ हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म है, और बाहर क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे सी वाटर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, जिसको मैं मिटा रहा हूँ। तो अब देखो, स्पर्म का अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे उसमें क्या क्या रहता है, तो रिसेक्ट का रिसेप्टर रहता है, कैल्शियम आयन चैनल रहता है, और हम लोग बोलेंगे एक एंजाइम रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुआनाइलाइन साइक्लेज, ठीक है। क्या क्या रहता है, गुआनाइलाइन साइक्लेज, रिसेक्ट रिसेप्टर, कैल्शियम आयन चैनल, ठीक है ना। हाँ, तो अब देखो होता क्या है, याद रखना, ये गुआनाइलाइन साइक्लेज इनएक्टिव रहेगा, ठीक है। ये तब तक इनएक्टिव रहेगा जब तक कि रिसेक्ट अपने रिसेप्टर से नहीं जुड़ जाए, ठीक है ना। तो देखो कैसे करके रिसेक्ट काम करता है, कैसे करके हम लोग बोलेंगे कीमो अट्रैक्शन होता है, कैसे करके स्पर्म किस तरफ मूव करता है, हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स दी ओवम। तो अब देखो होता क्या, जैसे हम लोग बोलेंगे ये केमिकल निकला किससे, जेली लेयर ऑफ क्या चीज, एग से निकला रिसेक्ट। तो अब ये रिसेक्ट है कि ये किससे जुड़ेगा, स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो रिसेक्ट रिसेप्टर है उससे ये क्या करेगा, ये रिसेक्ट प्रोटीन या हम लोग बोलेंगे 14 एमिनो एसिड का जो पेप्टाइड है वो जुड़ जाएगा। जैसे ही जुड़ेगा तो हम लोग बोलेंगे ये जो रिसेप्टर है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा या एक्टिव हो जाएगा। अब ये जो एक्टिवेटेड रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर क्या करेगा, इसके बगल में जो गुआनाइलाइल साइक्लेज जो एंजाइम है उसको क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे एक्टिवेट करेगा, ठीक है। चूंकि गुआनाइलाइल साइक्लेज क्या चीज़ है, एंजाइम है, तो जैसे ही ये एक्टिव होगा तो इस एंजाइम में क्या डेवलप हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे इस एंजाइम में क्या डेवलप हो जाएगा, एक्टिव साइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये वाला क्या चीज़ है, ये वाला है एक्टिव साइट, ठीक है, ऑफ एंजाइम, ठीक है ना। तो एंजाइम का काम ही क्या है कि हम लोग बोलेंगे सब्सट्रेट को लेना एक्टिव साइट में और क्या बनाना, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना। जैसे ये एंजाइम क्या हो जाए, एक्टिव हो जाएगा, वैसे ये एंजाइम क्या करेगा, साइटोप्लाज्म से क्या लेगा, हम लोग बोलेंगे सब्सट्रेट को लेगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म किसका साइटोप्लाज्म, स्पर्म का साइटोप्लाज्म से सब्सट्रेट को लेगा। उस सब्सट्रेट को हम लोग क्या बोलेंगे, उस सब्सट्रेट को हम लोग बोलेंगे जीटीपी। जीटीपी को लिया, कहाँ लिया, अपने एक्टिव साइट में लिया, और क्या बनाएगा, ये प्रोडक्ट बनाएगा, क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। और इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे साइक्लिक जीएमपी, ठीक है। ये प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लिक जीएमपी, ठीक है ना। इसको सेकंड मैसेंजर भी बोल सकते हैं। अब ये साइक्लिक जीएमपी क्या करेगा, देखो ये साइक्लिक जीएमपी क्या करेगा, ये जो कैल्शियम चैनल है ना, इस कैल्शियम चैनल को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। जैसे ही कैल्शियम चैनल एक्टिवेट होगा तो हम लोग बोलेंगे कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, कहाँ से कहाँ, हम लोग बोलेंगे बाहर से कहाँ, अंदर की तरफ, ठीक है। कैल्शियम आएगा, जिस जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम।
तो अंदर क्या हो जाएगा, कैल्शियम का आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा ना। और देखा गया है ये जो कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो अंदर की तरफ बढ़ता है, यही क्या करता है, हम लोग बोलेंगे स्पर्म को एक डायरेक्शनल क्लू प्रोवाइड करता है। तब जाके हम लोग बोलेंगे स्पर्म किस तरफ मूव करता है, ओवम की तरफ मूव करता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कीमो अट्रैक्शन, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे इसको, कीमोटैक्सिस। तो कीमोटैक्सिस और कीमो अट्रैक्शन किसके कारण हो रहा है, हम लोग बोलेंगे केमिकल के कारण हो रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, रिसेक्ट। और यही वर्किंग मैकेनिज्म हो गया क्या चीज का, रिसेक्ट का। तो यही फर्स्ट सिक्वेंशियल इवेंट था, किसके किस केस में, हम लोग बोलेंगे सी अर्चिन के केस में, जिसमें फर्टिलाइजेशन कैसा था, एक्सटर्नल था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेकेंड सिक्वेंशियल इवेंट इन सी अर्चिन। तब तक के लिए थैंक यू।